बैजनाथ उपमंडल की संसाल पंचायत में गत माह हुई निजी स्कूल शिक्षक की हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजन एसपी कांगड़ा से मिलने धर्मशाला पहुंचे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिजनों ने कुछ और लोगों पर शक जताते हुए उनसे भी पूछताछ की मांग की है। बैजनाथ उपमंडल की संसाल पंचायत में गत माह हुई निजी स्कूल शिक्षक की हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजन एएसपी कांगड़ा से मिलने धर्मशाला पहुंचे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिजनों ने कुछ और लोगों पर शक जताते हुए उनसे भी पूछताछ की मांग की है। परिजनों का कहना था कि जिन पर शक जताया गया है उनसे पूछताछ नहीं की गई, तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। एएसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि मृतक के परिजनों का कहना है कि पता नहीं चल पा रहा है कि हत्याकांड कैसे हुआ, उनकी शंकाओं को दूर किया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके खिलाफ जैसे ही फाइनल ओपिनियन FSL आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर से ओपिनियन आ जाता है, तो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी। कुछ लोगों के नाम परिजनों ने दिए हैं, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। इसके संबंध में SHO को निर्देश जारी किए गए हैं। सर, मर्डर को लेके कई और लोगों पर भी आशंकाएं जता रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ अन्य लोगों से पूछताछ होगी? कुछ लोगों के नाम आज उन्होंने दिए हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को हम जांच में शामिल करेंगे। कुछ लोगों के नाम वो पहले दे चुके हैं और उनको हम शामिल कर चुके हैं जांच में, और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उनसे पूछताछ कर चुके हैं। जिन लोगों के नाम अभी इन्होंने बताए हैं उनको भी हम तुरंत, मैंने SHO को निर्देश दे दिए हैं जांच में शामिल करके। मृतक शिक्षक के पिता दौलत राम ने कहा कि मेरे बेटे की 21 दिसंबर को हत्या हुई थी, आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस इसी बात पर अटक गई है कि वो ही कातिल हैं। हमें कुछ और लोगों पर भी शक है, जिन पर हमें शक है उनके घर कुछ दूरी पर ही है, जबकि डेड बॉडी घर से 1 किलोमीटर फेंकी गई है। बैजनाथ पुलिस गंभीरता से जांच नहीं कर पा रही है। पुलिस ने अन्य लोगों से पूछताछ नहीं की तो हमें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। सर, आज आप यहां आए हैं, क्या मामला है आपका? मेरे लड़के की मर्डर हुआ है 21 तारीख को, 21 दिसंबर को, और आज 15 तारीख हो गए। इसके लिए आए थे हम कि आज देखकर पुलिस कोई भी तय तक ना पहुंच सकी, क्योंकि दो आदमी जो उन्होंने रेस्ट किए हैं पुलिस उन पर भी अटल हो गई है, अटकी हुई है कि भी इन्होंने यही कातल। एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, कितना संतुष्ट हैं आप? एसपी साहब ने बोला भी वो तो उन पर भी है, उन पर वो जो ही कातल वो ही है, जो 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 इस टाइम जेल में है उन पर ही है। आपके किसी और के ऊपर शक भी? शक है, हमें तो शक है, लेकिन पुलिस अभी कर नहीं रही, इसके बारे में छानबीन कर रही, क्योंकि वो तो कहीं 10 किलोमीटर दूर के उनके घर हैं। जो वो फेंकी उसकी डेड बॉडी फेंकी वो हमारे गांव के, हमारे घर के 1 किलोमीटर पर फेंकी गई। हमें शक जाहिर हो रहा है कि यह स्थानीय लोग इसमें शामिल हैं। इसमें समाज सेवी जय गोपाल ने कहा कि हमारी मांग है कि दोषी पकड़े जाए और रिपोर्ट जल्दी आए। इस संबंध में हम ASP से भी मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा भी कहना है कि जो भी वास्तविकता है वो सामने आनी चाहिए और कोई बेवजह तंग ना हो। बैजनाथ पुलिस के पास मृतक के परिजन गए थे लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सच्चाई सामने आनी चाहिए। ASP ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही FSL और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उनको बता दिया जाएगा। हमारी सीधी मांग है जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और जो भी रिपोर्ट है वो जल्दी आए, क्योंकि 21 दिसंबर को ये हत्याकांड हुआ था, आज भी 15 जनवरी होने जा रही है, अभी कोई कुछ खास हाथ लगा नहीं। उसी सिलसिले में हम सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर SP साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो FSL की रिपोर्ट और जो दूसरी है उसके लिए जल्दी वो कोशिश करेंगे, और हमारा भी यही कहना है कि जो वास्तविकता है वो सामने आनी चाहिए, अनावश्यक कोई तंग ना हो और ये गुत्थी जल्दी से जल्दी सुलझनी चाहिए, क्योंकि अगर ये समय रहते सुलझी नहीं तो भविष्य में भी और युवाओं के साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। बैजनाथ पुलिस पे भी आप सवाल उठाते नजर आए तमाम लोग? जी, मैं तो गया था, ये घर वाले गए थे, उनको खास कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से ना मिला, वो कोई कॉपरेशन मिल नहीं रही उनको, तो अदरवाइज तो यहाँ आने का कोई औचित्य था नहीं, इसीलिए इनके पिताजी ने संपर्क किया SP साहब से कि आप आए, सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए आए, बात रखी हमने,
बार बार कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ ऐसा नहीं कि कोई अनावश्यक कोई उसमें आए लपेटे में आए, जो सच्चाई है कम से कम वो तो पता लगनी चाहिए। एसपी साहब से मिलने के बाद कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो है एफएसएल की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जैसे आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, आश्वासित तो है उनसे। और ऐसा भी नहीं उन्होंने कार्रवाई की है, दो लोगों को हिरासत में लेके रखा हुआ है, उनका रिमांड भी हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।